शादी को नल एंड वॉइड घोषित करने के बाद उनके जो बेटा है, मृतक बेटा है, उसका स्टेटस कुंवारा रह गया, यानी उनकी कभी शादी ही नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मैंने आप सभी के लिए वीडियो नंबर 612 बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक बेटे की मृत्यु के बाद उसके माता पिता ने उस केस को आगे बढ़ाया और हाई कोर्ट ने भी इसमें उसका साथ दिया। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि क्या जरूरत थी उस मृतक बेटे की शादी को नल एंड वॉइड घोषित करने की। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी थी इस मृतक बेटे के माता पिता को कि उनको उस शादी को रद्द करार करवाना पड़ा जिस शादी को रद्द करार करने के लिए उनके बेटे ने फ्रॉड के ग्राउंड पर केस फाइल किया था। मैं एडवोकेट मोहिनी मोहन आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भी इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है। वीडियो नंबर 612 जिसका टाइटल था कि क्या पेरेंट्स बेटे की मृत्यु के बाद भी केस चला सकते हैं शादी रद्द इत्यादि इत्यादि बातों का उसमें मैंने वर्णन किया था। अब ये बात तो आप सभी को मालूम ही है कि अगर एक बेटा और बहू उनकी शादी हुई है, सास ससुर देख रहे हैं कि वो अपनी शादी के बाद बहुत खुशनुमा ढंग से रह रहे हैं, शादी के बाद उस बेटे की पत्नी यानी उनकी बहू, उस ससुर और सास की जो बहू है उनका भी एक हक बन जाता है उस प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी का शेयर उनके बेटे की तरफ भी आना था। लेकिन अगर ये बात साबित हो जाए कोर्ट की तरफ से कि वो जो शादी की गई थी वो शादी एक धोखेबाजी के आधार पर की गई थी और वो शादी अमान्य कर दी जाए, रद्द घोषित कर दी जाए, शून्य घोषित कर दी जाए, तो जो स्टेटस है, सबसे पहले आप ये समझिए कि स्टेटस क्या हो जाता है। देखो अगर इस पति और पत्नी के बीच में अगर तो तलाक हो गया तो तलाकशुदा दोनों के लिए हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये जो पत्नी है इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ये विडो बन जाती हैं और इनका अधिकार अब भी अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी उसकी प्रॉपर्टी में, और अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी जो जितने भी उसके बेनिफिट्स है उसके अंदर उनका अधिकार रहता है खड़ा। लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा ये बात साबित हो जाती है कि इस लड़की ने शादी करते समय धोखेबाजी की थी, जैसा कि आपको याद होगा वीडियो नंबर 612 में मैंने आप सभी को बताया था कि उस लड़की ने जब इस लड़के से शादी की थी तो उस समय पे उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि वो अनमैरिड है, जबकि आपको याद है ना उनकी पहले से शादी हो चुकी थी और उन्होंने पहले पति से अभी तक तलाक नहीं लिया था। तो अगर उन्होंने धोखेबाजी से शादी की है तो सेक्शन 5(5) हिंदू मैरिज एक्ट बिल्कुल क्लियरली ये बात को बताता है कि अगर दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं तो एक मुख्य शर्त ये भी है कि वो दोनों का कोई भी पहले से स्पाउस जीवित नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर लड़की का स्पाउस जीवित था तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। लेकिन यहां पर उसने अपने आप को गलत प्रोजेक्ट किया, उसने आपको अनमैरिड बताया, शादी कर ली, फंसा लिया इस लड़के को, और जब इनका केस चल रहा था तो करीबन 7-8 महीने के बाद इस लड़के की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो जाता है इस मृतक बेटे के माता और पिता के सामने कि अगर ये शादी को रद्द नहीं किया कोर्ट ने तो ये जो अब विधवा रह गई है, ये जो लेडी है, इसका राइट खड़ा हो जाएगा इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर इस पत्नी ने जिसने झूठ बोल करके यहां पर शादी की थी वो यहां पर प्रॉपर्टी भी लेकर के चली गई, शादी भी उसे धोखेबाजी से की
और वो प्रॉपर्टी भी लेकर के चली गई तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और दूसरी बात, अब देखते हैं कि यहां पर जो लड़के का टाइटल था, जो इनका मृतक बेटा था, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस शादी को अमान्य घोषित कर दिया था, शून्य घोषित कर दिया था, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, तो इस शादी को नल एंड वॉइड घोषित करने के बाद उनके जो बेटा है, मृतक बेटा है, उसका स्टेटस कुंवारा रह गया, यानी उनकी कभी शादी ही नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पत्नी की बात करें तो पत्नी का जो स्टेटस है, जो वो अभी दिखा रही थी विडो इनकी, अब उनका स्टेटस हो जाएगा मैरिड। क्यों हो जाएगा मैरिड, याद कीजिए, क्योंकि उस पत्नी ने अपने पहले पति से अभी तक तलाक नहीं लिया था, तो वो दूसरी शादी करने के लिए फ्री ही नहीं थी। उनका स्टेटस उस समय भी मैरिड का था जब वो इन बेटे से शादी कर रही थी। तो अब होगा क्या कि दोनों का टाइटल बदल जाता है इस नल एंड वॉइड को घोषित करवाते ही। बेटे, मृतक बेटे का जो टाइटल है वो बन जाता है कुंवारा, और इधर से जो पत्नी है उनका स्टेटस बन जाता है मैरिड। तो इन सब जटिलताओं पर, इन सब चीजों पर, इन सब बातों पर भी आपको विचार करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप कोर्ट में केस करें। तो आप कभी भी सिर्फ एक पहलू पर ना देखें, आपको अच्छी तरह से सारे पहलुओं पर विचार करना होगा, तभी आपको उचित फैसला कोर्ट के द्वारा मिल पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।